हेलो एंड वेलकम बैक टू द नूबर्स कम्युनिटी। तो आज हम फिर से वापस आ चुके हैं आज एक और नई फ्री गेम लेकर, और ये गेम भी अराउंड अभी सिर्फ मेरे ख्याल से सिर्फ 30 घंटे के लिए बाकी है, और जब तक ये वीडियो लाइव होगा 27 या 28 आवर्स बाकी रह जाएंगे। तो अराउंड अराउंड एक दिन पूरा बाकी रह जाएगा जब तक आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये 1 जनवरी तक रहेगा एस्टिमेशन, और उससे पहले आपको ये गेम क्लेम करना है। और जैसे मैंने पहले एपिक गेम्स के जो 15 गेम्स के बारे में बताया था कि 15 दिन में 15 गेम्स के बारे में हर गेम के बारे में बात लेके आऊँगा, लेकिन एज एक्सपेक्टेड 2020 से कोई इसमें ट्रिपल ए रेटेड गेम जो सिर्फ नाम सामने आया सिर्फ नाम ही रह गए, कोई ट्रिपल ए रेटेड गेम्स इसमें शामिल नहीं है। और जहाँ तक अभी तक लिस्ट जा रहा है कोई उम्मीद अब बची नहीं है, क्योंकि अराउंड आप बोल सकते हैं कि 6-7-8 गेम्स आ चुकी हैं और कुछ ही गेम्स अब बची हैं। तो उसमें से भी अब चांसेस नहीं लग रहे कोई अच्छी गेम आने के, फिर से GTA 5 के भी आने के भी कोई भी चांसेस नहीं है। तो लेट्स मूव ऑन, और मूव ऑन करने से पहले आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे और वीडियोस के लिए और फ्री गेम्स के लिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और साथ ही साथ आपको हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी आपको डेली गेम डील्स के बारे में पता चलता रहेगा। तो लेट्स लोड आउट आवर इंट्रो। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, और जिस गेम के बारे में बात कर रहे हैं आपको पता चल चुका, वैसे भी ऑलरेडी आपको टाइटल से पता चल चुका होगा। तो साथ ही साथ आपको यहाँ पे बता देता हूँ कौन सी गेम है ये। मेट्रो लास्ट लाइट रिडक्स करके इस गेम का नाम है। मेट्रो सीरीज़ की ये गेम है, मेट्रो सीरीज़ बहुत ही पॉपुलर रही है, और मेट्रो सीरीज़ मेरे हिसाब से अगर आप कुछ उसके एक दो गेम्स छोड़ के बाकी सारे गेम्स सारे होती हैं, बट हम बोल सकते हैं एक दो गेम जो है थोड़ा कम इन कंपेरिजन टू दूसरी गेम्स से बोल सकते हो कि थोड़े कम ऑपरेटिंग दे सकते हो, बट फिर भी मेट्रो सीरीज़ बहुत ही पॉपुलर सीरीज़ है, मेट्रो सीरीज़ बहुत चली भी है। और ये गेम जिसके बारे में बात कर रहा हूँ ये मेट्रो लास्ट लाइट रिडक्स, और ये अराउंड 2013 में लॉन्च हुई थी, और इस पर अभी करंटली ऑफ भी चल रहा है जो कि अराउंड 50% से भी ऊपर का ऑफ है। बट मैं आपको बताऊँगा कि फ्री में कैसे कहाँ से क्लेम करना है इसको। तो ऐसे और वीडियोस के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा लेना है, और साथ ही साथ डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैंने जैसे पहले बताया कि वहाँ पे आपको ऐसे और डील्स के बारे में पता चलता रहेगा। तो बस आगे बढ़ लेते हैं, हमको बस हम क्या मेट्रो लाइट लास्ट लाइट रिडक्स। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाके GOG.com सर्च कर लेना है। GOG.com ऐसे सर्च करेंगे तो GOG में आपको सबसे पहले आके तो साइन इन करना पड़ेगा, उसके बिना आप सीधी सी बात आप गेम को क्लेम नहीं कर सकते। तो क्लेम कर लेना है तो आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और अगर आप वेब ब्राउज़र से नहीं, अगर आपके पास GOG गैलेक्सी है लॉन्चर है ऑलरेडी, तो उससे कैसे क्लेम करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। बस पहले मैं आपको इस पर दिखा देता हूँ। तो आप सिंपली आप बस लॉगिन कर लीजिए GOG.com पे जाके। लॉगिन करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको ये पोस्टर दिख जाएगा, GOG क्लेम मेट्रो लास्ट लाइट रिडक्स, डोंट मिस द बेस्ट GOG ऑफर्स इन द फ्यूचर। और ये अराउंड 27 घंटे 52 मिनट पास बाकी है, टाइम बहुत ही फास्ट जा रहा है, एक दिन बाकी है अराउंड। तो समझ सकते हैं आप कि अराउंड ये भी ऑफर कुछ 6 बजे शाम तक ख़त्म हो जाएगा, कल के 1 जनवरी 6 o'clock के आसपास ख़त्म हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। आपको एक गेम फटाफट से क्लेम कर लेना है, गेम बहुत ही सही है, स्टोरी मोड भी बहुत कनेक्टिंग है, आप चाहे तो गेम को ट्राई कर सकते हैं, और वर्थ इट है, और खासकर फ्री में तो बहुत ज़्यादा ही वर्थ इट है। सिंपली आपको ये क्लेम द गेम का क्लिक कर लेना है। मैंने लॉगिन नहीं किया तो यहाँ पर पहले लॉगिन का पॉपअप आ जाएगा, तो सिंपली मैं लॉगिन करके आप प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब मैं उनके लिए बताऊंगा जिनके पास GOG गैलेक्सी लॉन्चर 2.0 है ऑलरेडी। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको भी सिर्फ लॉगिन करके सिर्फ स्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। स्टोर वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पे भी आपको सेम ऑफर दिख जाएगा, विंटर सेल, और विंटर सेल में आपको स्क्रोल डाउन कर लेना है। तो मेट्रो लास्ट लाइट रिडक्स करके यहाँ पे आपको पॉपअप दिख जाएगा। मैंने ऑलरेडी क्लेम कर लिया तो मेरे को यहाँ पे क्लेम दिखा रहा है, क्लेम का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। और क्लेम करने के बाद आपको आपके GOG.com के उसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी क्लेम हो चुका है,
तो क्लेम होने के बाद आपको बस कुछ नहीं, बस डाउनलोड कर लेना। तो हम लोग एक बार इसमें साइज़ चेक करके आपको मैं बता देता हूँ। रेटिंग्स तो डिसेंट है, डिसेंट है इसकी रेटिंग। गूगल पे भी रेटिंग आप देख सकते हो 4 point something के आसपास है। और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। मे बी इसे कुछ राइट क्लिक या हाँ ये इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद लेट्स सी इसका साइज़ कितना है। यहाँ हम जैसे देख सकते हैं ये 8.5 GB के आसपास की गेम है। एलोकेटिंग पेस वगैरह डिस्क स्पेस, तो गेम सही है। आप इस गेम को डाउनलोड करके एक ट्राई दे सकते हैं। और ऐसे और वीडियोस के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और अगर कोई ऐसा मेरे को लगा कि वर्थ इट गेम आई है तो मैं उसके लिए वीडियोस ज़रूर लाऊंगा। हाँ, मैंने इससे पहले भी वीडियोस बनाई है जिसमें वर्थ इट गेम्स नहीं थी, बट वो एटलीस्ट टेम्प्ररी नहीं परमानेंट गेम्स थी, या फिर भी एक हफ्ते का उसमें टाइम लिमिट था ऐसा था। बट ये एक एक दिन के लिए मैं अगर मैं छोटी छोटी गेम्स पे टाइम वीडियोस इसलिए नहीं बना रहा। अगर कोई अच्छी गेम आती है, ट्रिपल एडिटेड गेम आती है, या फिर भले डबल एडिटेड गेम भी, ऐसी मतलब गेम ऐसी हो जो आपको खेलने मज़ा आए, तो वो उसके लिए मैं लेके आऊँगा। क्योंकि एक ही दिन का टाइम लिमिट है, एक दिन में आप जल्दी जल्दी आप जाके क्लेम करो वीडियो देख के, और फिर आपको पता चले गेम वर्थ इट है नहीं, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। तो वैसे और वीडियोस के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, सी यू।